हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली हम महाराष्ट्रीयन स्टाइल बनाने जा रहे हैं। इसे महाराष्ट्र में अलग अलग नाम से अलग अलग भागों में बोला जाता है, जैसे कि चिकोल्या, चकोल्या, वरण फॉर, दाल फॉर, ऐसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। पर टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा होता है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो देख लेते हैं हम दाल ढोकली महाराष्ट्र स्टाइल कैसे बनाते हैं। ये हमने 2 कप आटा ले लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया, 2 छोटे चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। और जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस टाइप से हम आटा लगा लेंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हम लगाएंगे। ये इस तरह से हमने आटा लगा लिया है। ये 1 टीस्पून हम ऑयल इसके ऊपर ऐसे डाल के अच्छे से इसको सभी साइड को लगा के 15-20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक तुअर दाल ली थी, अरहर की दाल भी बोला जाता है इसे, उसमें हमने 2 कप पानी डाल के उसे उबाल दिया है। इसमें हमने बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी हम इसमें ये 1 ग्लास पानी ऐड करके इसे बीट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे बीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने बीटर से बीट कर लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें अभी और ऐड करेंगे और साथ में ही हल्दी और नमक इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे बॉईल करने देंगे। थोड़ा पानी मैं इसमें और डाल लेती हूँ। हमें जो दाल की कंसिस्टेंसी चाहिए वो थोड़ी पतली ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तरह से हम दाल की कंसिस्टेंसी रखेंगे। अभी इसे हम थोड़ा बॉईल होने देते हैं, तब तक हम आटे की रोटियां बनाएंगे। हमारी रोटियां सॉफ्ट होनी चाहिए, इसलिए हमें आटे को थोड़ा गूंदना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। अभी इसे हम गोलियां तोड़ेंगे और रोटी बनाएंगे। चार पांच हम रोटी बनाएंगे, फिर इसमें दाल में डालेंगे। एक लोई हम ले लेंगे और आटे में इसे थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। पर इसे हम महाराष्ट्र स्टाइल ही बेलेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बीच में ऑयल डालेंगे और ऐसा सब जगह पे ऑयल को स्प्रेड करते हुए हमसे इसे घड़ी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हम इसकी रोटी बनाएंगे। आटा थोड़ा थोड़ा लगा के हम इसे बेलेंगे। ये हमें ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, मीडियम ही रखनी है रोटी। ये पूरी तरह से गोल नहीं भी आई तो भी चल जाता है, क्योंकि हमें इसे लास्ट में कट करके दाल जो हमने बनाई है इसमें इसको ऐड करना है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ रोटी की। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम पतली रोटी नहीं है। अभी हम इसे रोटी के से इस तरह से हम कट करेंगे रोटी को। ये देखिए,
ज़्यादा बड़े साइज के नहीं बनाने हैं, कि हम इस तरह से इसको आपको जिस शेप में पसंद है उस शेप में आप डालिए, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप चौकोन भी कर सकते हो। अभी हम ये इसमें डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसे निकाल के हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आप ऐसे चम्मच से या इससे भी कर सकते हो, ये इस टाइप से भी किया जाता है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको। मैं और एक बना के आपको दिखाती हूँ, इस तरह से रोटियाँ बनाएंगे और डालते जाएंगे। आटे का गोला मैंने ले लिया है, इसको दोनों साइड से ऐसे हम आटे में डस्ट करेंगे और थोड़ा रोटी को थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से सब जगह पे स्प्रेड करते हुए हम इसे आधे में फोल्ड करेंगे, फिर आधे में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। अभी वापस से इसे हम आटे में डस्ट करके ले लेंगे। ये देखिए, तो ये वापस से हमारी रोटी बन चुकी है। मैं इसे पहले जैसा मैंने काट लिया था उस तरह से इसे भी काट लेती हूँ, तो हम इसके ऐसे छोटे छोटे भी पीसेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। ये इसे सिर्फ इस तरह से निकाल के इसमें ऐड करना है, हाथ पे उठाने की जरूरत नहीं है इसे। ये इस तरह से इसमें ऐड करना। इस तरह से मैं अभी बाकी की भी रोटियाँ बेल के इसमें डाल देती हूँ और इसे उबलने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार पांच रोटियों को हमने इस तरह से कट करके इसमें डाल दिया है। 5-7 मिनट इसके ऊपर हम ढक्कन रख के इसको पका देते हैं। ढक्कन को भी चेक कर लेते हैं कि हमारी रोटी पकी है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरह से पक के ऊपर आ चुकी है। यही इसका सिम्टम है कि अच्छी तरह से रोटी पकी है, क्योंकि वो पकने के बाद हल्की होके ऊपर आ जाती है दाल के। अभी हम इसको तड़का लगाएंगे, तो मैं ये बाजू में कर देती हूँ और तड़के का पैन इसके ऊपर रख देती हूँ। ये कढ़ाई हमने रख ली है, जिसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। ये राई और जीरा इसमें डाल लेते हैं। ये जीरा और राई क्रैकर होने लगी है। अभी इसमें हम ये 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, थोड़ा सा हम करी लीव डालेंगे और इसमें ही हम ये जो हमने लहसुन बारीक कट करके लिया है ये ऐड करेंगे। तो इसे अच्छा कलर आने देंगे गार्लिक को। इसमें गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रोटी में। इसके हम इसे ऊपर से गार्लिक का तड़का देते हैं। ये हमारे गार्लिक को कलर आ चुका है। हम इसे बाजू में रख के वापस से ढोकली वाली जो हमारी कढ़ाई है उसको गैस चला देते। ये जो हमारी दाल ढोकली है इसके ऊपर अब हम ये 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, वो डालते हैं। ये इसे हम ऐसे ही डालेंगे पहले, और साथ में ही कुछ धनिया पत्ती हम इसके ऊपर ही डालेंगे। और ये जो हमने फोड़नी बना के ली है, अब ये फोड़नी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये फोड़नी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें।
ये देखिए हमारी दाल ढोकली बनके तैयार हो चुकी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है हमारी दाल ढोकली। फ्रेंड्स ये हमारी दाल ढोकली की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। महाराष्ट्रीयन दाल ढोकली हमने बनाई है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।